शांति। गुड मॉर्निंग। महान तपस्वी आत्माओं का अमृत वेला की इस सुंदर सभा में इस विश्व कल्याणकारी संगठन में हार्दिक स्वागत है। निद्राजीत बनकर सवेरे सवेरे आप सभी आ गए सुंदर अनुभूतियों के लिए। आइए आज के अमृत वेला को यादगार बना दें। भरपूर आनंद के साथ संकल्प रचें, आज मेरा अमृत वेला बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुभूतिपूर्ण जाएगा। भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में है, जैसी चाहे तकदीर की लकीर खींच सकते हैं। चलिए आज ब्रह्मा बाप समान स्थिति के अनुभव से आरंभ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सूक्ष्म लोक में पहुंचना है, बावन वर्षों से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता बनकर अव्यक्त स्थिति में पूरे ब्रह्मांड को सकाश दे रहा है। मुझे भी अव्यक्त बनना है, मुझे भी संपूर्ण होना है, मुझे भी अपने बाप समान जल्दी से जल्दी बनना है। आओ पिता के समान बैठकर बाप समान स्थिति का अनुभव करें। स्वमान लेंगे, मैं अव्यक्त ब्रह्मा समान मास्टर ब्रह्मा हूं। हे आत्मन, इससे पहले कि ये हलचल वाला संसार जाग जाए, आप सुंदर स्थितियों का अनुभव कर लो। अपने महान स्वरूपों को जागृत कर लो, बना लो स्वयं को ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता। यह अति सुंदर समय है। भगवान से संपूर्ण शक्तियां पाने का 15 मिनट सूक्ष्म लोक में बाबा के बिल्कुल पड़ोस में बाप समान स्थिति में बैठ जाएं। सभी सीधे होके बैठ जाएं, ब्रह्मा बन के बैठ जाएं।
और अनुभव करें बाप समान स्थिति।
ओम शांति। जो भी भाई बहन अभी जुड़ रहे हैं, सभी आज महान स्वमान बाप समान मैं ब्रह्मा की संतान मास्टर ब्रह्मा आइए अपनी संपूर्ण स्थिति की अनुभूति करें। ब्रह्मा बाप के समान अव्यक्त लोक में बैठ जाएं। स्वयं को मास्टर ब्रह्मा महसूस करें। सभी जागृत अलर्ट बाबा के समान अनुभूति करें।
हे आत्मन, अव्यक्त स्थिति की अनुभूति। अव्यक्त माना हल्का, अव्यक्त माना उपरांत, अव्यक्त माना आवाज से पार, अव्यक्त माना बंधन मुक्त। केवल अमृत वेला की इन 2 से 3 बजे की घड़ियों में सबसे सुंदर अव्यक्त स्थिति अनुभव कर सकते हो। बैठे रहें सूक्ष्म लोक में, नेत्र खुले ब्रह्मा बाप के समान। आज के अमृत वेला को अति सुंदर बना दें, अव्यक्त अनुभव से भर दें। टोटल साइलेंस अव्यक्त वतन की तरह अपने घर को भी अव्यक्त वतन बना दें।
и атман. सवेरे सवेरे चारों तरफ भी अव्यक्त वातावरण है, इस अव्यक्त वायुमंडल का भरपूर आनंद ले लें। ब्रह्मा बाप समान में डबल लाइट चमकीले लाइट के शरीर में चमकीले वतन में हल्की अवस्था में अच्छी तरह से अनुभव करें, स्वयं को ब्रह्मा बाबा समान बना लें,
O święty. जिन्हें ब्रह्मा बाप से प्यार है, जिन्हें बाप समान स्थिति बनानी है, जिन्हें कर्मातीत बनने की धुन लगी है, हे आत्मन, अमृत वेला की इन वरदानी घड़ियों में बाप समान स्थिति का वरदान ले लें, सब बंधनों से मुक्त हो जाएं, स्वयं को महसूस करो, मैंने सर्व बंधनों की बेड़ियां काट दी हैं, मैं डबल लाइट हो गई हूं, मेरा मन धरती से उपराम हो गया है, मैं हल्की होकर बाप के पास सूक्ष्म लोक में स्थित हो गई हूं। महसूस करें बिल्कुल हल्के, सारे बोझ बाप को अर्पण कर दें, मन के अंदर कोई भी विचलित बनाना हो, बिल्कुल हल्के चमकते हुए, तुम्हें विश्व कल्याण करना है। देखो, अनुभव करो, अव्यक्त ब्रह्मा बाप तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में आ गया है, महसूस करो,
अपने घरों को सूक्ष्म वतन बना दें। कण कण में बाबा का प्रकाश फैला दें। महसूस करें आपका घर बाबा की वाइब्रेशन से तीर्थ स्थान बन रहा है। बस हमारे भक्तों की लाइन लगने वाली है। हमारे घर से शांति की प्रकंपन उठकर पूरे विश्व में फैल रही है। तुम्हें इस घर में अब ब्रह्मा समान मास्टर ब्रह्मा बनकर रहना है।
ओम शांति। जो एक घंटे से बैठे हैं महान तपस्वी, एक घंटे का अनुभव सुनाएंगे, फिर हम आगे की ओर जाएंगे। जो भाई बहन अभी जुड़ रहे हैं, अपने मन को समर्पण करें बाबा को। मैं बाबा की हूं, सच्चे दिल से समर्पण करें। इस वक्त आपके और भगवान के बीच में और कोई नहीं। दिन में ये संसार तुम्हें भगवान का होने नहीं देता, अपनी ओर खींचता है। इस वक्त तुम हो, बाबा है और कोई नहीं। समर्पण करो, सब सौंप दिया है। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागत है सब तोड़। जो बहुत सुंदर स्थिति में बैठे हैं, वतन में बैठने का मन कर रहा है, भले बैठे रहे, बैठे रहे। अपने घर के कण कण में भी अव्यक्त प्रकंपन भर दो, सारे विघ्न दूर कर देगी। समर्पित कर दो सब कुछ, भगवान मिला है। अब अपने पास कुछ ना रखो, ये मन भगवान को दे दो। मन की सब बातें भगवान की, तुम केवल उसके प्यार का, उसके प्रकाश का अनुभव करो हे आत्मा।
दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाते सिंगारे हैं। बोली कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं। बोली कितने प्यारे थे।
सभी मधुबन पहुंच जाएं। बाबा के प्रकाश में स्नान करें, बाबा के कमरे में पहुंच जाएं। महसूस करें बाबा ने जो इस कमरे में प्रकंपन फैलाई है, मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं। और मेरे अंदर बाबा की सर्वशक्तियां प्रकाश प्रवेश कर रहा है। मेरा प्रकाश भी बाप समान बनता जा रहा है। बाबा के कमरे में बैठकर कर्मातीत बनने का दृढ़ संकल्प लें। अब कर्मातीत बनने की धुन लगा लें। अब मन में ठान लो, अब घर जाना है। सबको माफ कर दो, मुक्त कर दो। मन के तार सबसे तोड़ लो, एक बाबा से सच्ची प्रीत जोड़ लो। बाबा के कमरे में बैठकर श्रेष्ठ संकल्प रचें, कर्मातीत बनने के संकल्प, दुनिया से उपराम होने के संकल्प, बंधन मुक्त होने के संकल्प। बाबा को प्रेम का पत्र भी लिख सकते हैं। अपनी डायरी उठाकर दृढ़ प्रतिज्ञाएं भी लिख सकते हैं। बाबा की नजरों में देखकर सच्चे प्यार की प्रतिज्ञाएं कर सकते हैं।
बाबा की कुटिया में पहुंच जाए। ये वो कुटिया है जिसमें बैठकर बाबा ने हम बच्चों का भाग्य लिखा, हमारी तकदीर बदल दी। इस कुटिया के प्रकंपन ग्रहण करें, ये तीर्थ यात्रा के समान है। इस हिस्ट्री हॉल से ही बना इतिहास, ज्ञान का सागर इस हिस्ट्री हॉल से उमड़ा और पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। ये भी हमारा मूल तीर्थ स्थान है। बाबा का हर स्थान प्रेरणा देता है। और जहां बाबा ने अपनी अस्थियां तक लगा दी,
आज भी यहां सूक्ष्म में बाबा उपस्थित दिखाई देता है। बाबा का स्मृति स्तंभ, शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा कर दी। ये वो स्थान है जहां मन में दृढ़ संकल्प उत्पन्न होते हैं, मुझे भी बाप समान हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। सभी स्मृति स्तंभ पर दृढ़ संकल्प करेंगे। आपके अमृत वेला के दृढ़ संकल्प ही आपको फरिश्ता बनाएंगे, आपके कर्म बंधन काटेंगे। दिन में संकल्पों की शक्ति विचलित हो जाती है, बिखर जाती है देह और देह के संबंधों में। ये सही समय है भगवान से प्रतिज्ञाएं करने का, भगवान समान बनने की गहरी लगन लगाने। सभी अति शक्तिशाली संकल्प रचेंगे।
ओम शांति। जो लंबे समय से बैठे हैं वे एक बार 5-10 मिनट के फरिश्ता वॉक करके आ सकते हैं। जलपान लेना है तो ले सकते हैं। जो मीठे भाई बहन ब्राह्मण कुलभूषण अभी आ रहे हैं, अभी जुड़े हैं, मस्तक के सिंहासन पर स्थित हो जाएं, मस्तक तुम्हारा सिंहासन है, और मैं आत्मा उस सिंहासन पर विराजमान हूं। मस्तक के सिंहासन पर बैठकर हम सर्वशक्तिवान स्थिति का नशा चढ़ाएंगे। चलिए सभी अगले 5 मिनट लगातार मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान का मन में उच्चारण करेंगे और अपने अंतर्मन को सर्वशक्तिवान का संदेश पहुंचाएंगे। सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये संदेश तुम्हारे मन के भीतर पहुंचते ही तुम्हारी सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। मन बुद्धि संस्कार तुम्हारे अनुसार चलने लगेंगे। सभी सीधे होके बैठे, आंखें खोल के बैठे, मस्तक के सिंहासन पर चमकते हुए बैठे और स्वमान का अभ्यास करें। सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर 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 सर्वशक्तिवान हूँ, मैं
मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर महसूस करें ये स्वमान तुम्हारे मन में, तन के रोम रोम में, तुम्हारे घर के कण कण में सर्वशक्तियां प्रवाहित कर रहा है। महसूस करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 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 मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
मस्तक के सिंहासन पर जो विराजमान होंगे उन्हें ही ड्रामा विश्व का सिंहासन सौगात में देगा। हे आत्मन, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। याद रखना, जो संगम पर मस्तक की इस सीट पर बैठते हैं उन्हें ही आने वाली दुनिया में भगवान के द्वारा राज्य पद की सीट मिलती है। सीट पर सेट और स्वमान में सेट, अपनी शक्तियों को जगाएं। संदेश मन के गहरे कोने कोने में पहुंचाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं।
Thank you.
संगम पर जो मस्तक में विराजा वही बनेगा विश्व महाराजा। जरा भी विचलित नहीं होना है, मस्तक के सिंहासन को छोड़ा समझो विश्व राज्य का अधिकार छोड़ा। सभी दृढ़ता से स्थित होना सीखें, चमकता हुआ प्रकाश हो मेरा प्रकाश सूर्य की तरह चारों ओर फैल रहा है। जितना संगम पर मस्तक से प्रकाश फैलाएंगे उतना पूरा कल्प तुम्हारा प्रकाश तुम्हें विशेष पाठ दिलाएगा।
ओम शांति। पिछले घंटे की रिपोर्ट सुनाएंगे, फिर मनसा सेवा की ओर कदम बढ़ाएंगे। पिछले घंटे का चार्ट क्या अनुभव कर रहे? निंद्रा तो नहीं आ रही? आंखें बंद करके नहीं बैठना है। राजयोग में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठना। खुली आंखों से विश्व का कल्याण करना है। चलिए, अब आप सुपर चार्ज हो गए। क्या अभी पूरे विश्व की मनसा सेवा करेंगे? सीधे होके बैठ जाएं। भगवान से अपार पाया है, अब संसार को बांटने का वक्त आया है। देखो तुम्हारे भाई बहन तड़प रहे, तुमसे भीख मांग रहे शांति की, प्रेम की। हर घर के अंदर एक पुकार है। तुम्हें सभी को प्रकंपन देनी है। चलिए चुपचाप आसमान में उड़ चले, चुपचाप अपनी पवित्र प्रकंपन हर घर में, हर आत्मा पर, प्रकृति के हर तत्व पर प्रवाहित कर दें। बिल्कुल साइलेंस में करेंगे सेवा, जैसे फरिश्ते चुपचाप आते हैं और शक्तियां बांटकर, वरदान बांटकर चले जाते हैं। बिल्कुल साइलेंस में बहुत सुंदर पवित्र वरदानी अनुभव करेंगे। हर घर में जाएंगे, पूरे विश्व के हर घर में पहुंच जाओ। तुम्हारा साक्षात्कार होगा प्रकृति के पांचों तत्वों की भी सेवा करके। चलिए 15 मिनट मनसा सेवा।
ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी एक मिनट निकाल इस अभ्यास को ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी एक मिनट निकाल इस अभ्यास को
पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाना है तुम्हें। तुम्हारी प्रकंपन ब्रह्मांड को परिवर्तन करेगी।
पांचों तत्वों को पावन करो, हे पावन पवित्र आत्मा। पांचों तत्वों को पृथ्वी को प्रकंपन दो, इसने बहुत सेवा की है तुम्हारी और कर रही है, माँ के समान सेवा की है। आत्माओं के पापों के बोझ को सहा है इसने, सेवा करो इसकी। ये राधा कल्प ये तुम्हारी सेवा करेगी। जल तत्व को भी प्रकंपन दो, इसके बिना तो संभव है ही नहीं। संसार का 80% जल तत्व है। हमारी देह में भी 80% इस तत्व की विद्या मानता है। इसकी प्रकंपन से, इसकी सेवा से हमारे रोग मुक्त होने लगेंगे। ये भर के जल तत्व को दुआएं दो, शुद्ध करो। अग्नि तत्व को प्रकाश दो, कई लाभ होंगे। ये अग्नि तत्व तुम्हें अंतिम समय में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर की अग्नि अनेक विकारों की, जो सूक्ष्म रूप में भी है, वो भी शांत हो जाएगी। पूरे संसार में जो अग्नि लगी है, वो अग्नि भी शांत हो जाएगी, शीतल हो जाएगा संसार। अग्नि तत्व को भी
करो प्यार, जी भर के करो इसका उद्धार। इष्ट देव आत्मा हो तुम, आधा कल्प से संसार का कण कण वायुमंडल अपवित्र कर दिया है आत्माओं ने। अब हमें कण कण को पावन करना है। जिस प्रकार से अगरबत्ती की खुशबू वायुमंडल में मिलकर दूर दूर तक बदबू समाप्त कर देती है, खुशबू ही खुशबू कर देती है। हे फरिश्ता आत्माओं, महसूस करो हमारे प्रकंपन दूर दूर तक पवित्रता की खुशबू वायुमंडल में फैला रहे हैं। पवन पावन होती जा रही है। संसार के वायुमंडल की गंदगी हमारे प्रकंपन से नष्ट हो रही। आज आकाश को भी चाहिए तुम्हारा प्रकाश। ये प्रकाश स्वरूप उसे भी दो अपना सकाश। ब्रह्मांड के हर ग्रह हर तत्व को हम फरिश्तों की सकाश पहुंच रही है। यदि दिल से मनसा सेवा करेंगे उसके कई लाभ होंगे। तुम्हारी देह पावन होने लगी, उमंग उत्साह का संचार होगा, तुम्हारे घर का वायुमंडल पावन होगा। जहां बैठकर आप मनसा सेवा कर रहे हैं, बाबा ने कुटिया को तीर्थ स्थान बना दिया, तुम्हारे घर भी तीर्थ स्थान बन जाएंगे। तुम्हारे जीवन के विघ्न समाप्त होंगे, नेगेटिव शक्तियां तुम्हारे जीवन से भागने लगेंगी, हद के दायरे छूट जाएंगे, तुम्हारी वृत्तियां बेहद हो जाएंगी और पूरे संसार को पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारी प्रकंपन पावन करेगी। इसीलिए भगवान मनसा सेवा की विधि बता रहे हैं।
ओम शांति। ये तपस्वी आत्मन अमृत वेला के अंतिम प्रहर की ओर बढ़ रहे हम अंतिम पड़ाव में अमृत वेला के अपनी बैटरी को फुली चार्ज करो। किसी भी कारण से ऊपर नीचे हो फिर से स्वमान धारण करें। सर्वशक्तिवान की संतान हूं मैं, फुली चार्ज हूं, अपार शक्तियों की स्वामी हूं। सुनाएं आज के अमृत वेला की सफलता की कहानी। कितना सफल किया आज का अमृत वेला। जो अभी जुड़े हैं वे मनसा सेवा करें, फिर बाबा से शक्ति भरें। जो भाई बहन लेट जुड़े हैं वे बाबा की किरणों के नीचे बैठकर वरदानों का स्नान करें, भरपूर करें अपने आप को। चलिए, बहुत सुंदर अनुभव आप सभी ने किया। अभी बाबा का करेंगे शुक्रिया। मन आनंद रस में झूमना चाहिए। अमृत वेला से उठें तो आनंद में, खुशी में सारा दिन आत्माओं को खुशी का एहसास कराना है। शुक्रिया करें बाबा का, वह मेरे बाबा आपने भंडारे भरपूर कर दिए। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। Good.
वह बाबा वह बाबा मन में मौजों की लहरें आनंद सागर में हम उतर गए गहरे नैनों में है दिव्य नजारे मन में मौजों की लहरें आनंद सागर में हम उतर गए गहरे अपार खुशी मिली है हमको रही ना उसकी थाह रही ना उसकी थाह रही ना उसकी थाह रही ना उसकी थाह वह बाबा वह बाबा वह बाबा जब से हमें मिला है उम्मीदों के फूल खिले हैं गुलशन खिला खिला है प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है उम्मीदों के फूल खिले हैं गुलशन खिला खिला है जीवन जगमग हो गया रोशन हो गई राह रोशन हो गई राह रोशन हो गई राह रोशन हो गई राह वह बाबा वह बाबा वह बाबा दिव्यता की मूरत बन गए निखरा है रूप हमारा निर्मल मन हो गया है पाकर आप सभी का भी दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा सुंदर पावरफुल जागृत शक्तिशाली अमृत वेला करने के लिए और पूरे विश्व में सुंदर प्रकंपन फैलाने के लिए आपका दिन
बहुत बहुत मंगलमय हो। 11:30 बजे अब एक पाठ्यक्रम के लिए और शाम को 5 बजे अव्यक्त सुंदर अनुभवों के लिए। आप सभी का भी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।